भगवान अग्निदेव बोले के दान धर्मान प्रवेक्षामि भुक्ति मुक्ति प्रदश्रुणु दानमिष्टं तथा पूर्तं धर्म कुर्वन्न सर्वभाग। क्या कहा? अब मैं भुक्ति मुक्ति देने वाले धर्म दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूँ। भगवान अग्निदेव बोले, कहते हैं इष्ट तथा पूर्त आदि दान करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इष्ट धर्म क्या है? अब कागज कलम निकाल लो तो मैं फिर आपको लिखा दूं। भगवान अग्निदेव कहते हैं एक सज्जन व्यक्ति को यह काम रोज करने चाहिए, एक भी दिन न चूके। इसको इष्ट धर्म कहते हैं। इष्ट का मतलब है कि जिस देवता को तुम मानते हो उसका सिर्फ दर्शन ही नहीं, अग्नि पुराण कहता है कि वो देवता एक दिन तुम्हारे सामने आके खड़ा भी हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो गया, वो इष्ट धर्म के द्वारा हो जाता है। तो इष्ट धर्म क्या है वर्णन किया है इसमें इष्ट धर्म, और आप पहली बार सुन रहे होंगे, मैं सुनाई पहली बार रहा हूं। तो इष्ट धर्म क्या है कि अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवं च प्राहुरुष्टं च नाकदम ग्रहो परागे यद्दानं सूर्य संक्रमणे सुच द्वादशादुच यद्दानं पूर्त तद्रपि नाकदम देशे काले च पात्रे च दानं कोटिगुणं भवेत् अयने विशुषे पुण्यं व्यतीते पाते दिनक्षये। बड़ी सुंदर बात कही गई है। इष्ट धर्म क्या है? इष्ट धर्म में किए गए ये काम सर्व प्रकार से आनंद देने वाले हैं और इष्ट का दर्शन कराने वाले हैं। इसमें अग्निहोत्रम तपः सत्यम, सबसे पहले एक अग्निहोत्र नित्य जो हवन करता है, यज्ञ करता है, उसे एक न एक दिन भगवान का दर्शन होता है। भगवान अग्निदेव कह रहे हैं, ये खोलो, ये लिखने लायक बात है और आप चूक जाएंगे, ये भी मुझे पता है आप चूक जाएंगे। मानवीय जीवन मिला है और सत्य यही है। भगवान अग्निदेव कहते हैं परमात्मा का भगवत दर्शन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इष्ट धर्म में कुछ चीजें हैं, उसका वर्णन किया। अग्निहोत्रम सबसे पहला है नित्य हवन यज्ञ करना, दूसरा है तप उपवास इत्यादि करना। ये उपवास वगैरह सब तप में आते हैं। आप एकादशी का ग्यारस का उद्यापन भी कर दें तो भी कोई न कोई व्रत करते रहिएगा। व्रत से इंद्रियां अपने कंट्रोल में होती हैं, वृत्तियों में सुधार आता है और यह साधक के लिए भगवत दर्शन करने में ये बहुत सुगमता रूप हासिल कर देती हैं। भगवान कहते हैं अग्निहोत्रम पहला है हवन यज्ञ, दूसरा है व्रत उपवास करना, कष्ट सहन करना तप में ही आता। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं घेल नहीं गए, थोड़ा सा सहन कीजिए। ये हमें पता है कांटा लगता है उसका भी दर्द होता है, लेकिन सहन किया जाता है उसे। तो तप कष्टों को भी सहन कीजिए, तप व्रत उपवास कीजिए। और तीसरी बात कही गई है सत्य, इंद्रियों से व्यभिचार मत कीजिए, यही सत्य है। ये आंखें बुरा नहीं देखें, ये कान बुरा नहीं सुने, ये जिब्या किसी की चुगली ना करे, इसका नाम है सत्य। वाणी का सत्य है किसी की चुगली ना करे, कान का सत्य है ये किसी की बुराई ना सुने, आंख का सत्य है कि ये कभी घटिया ना देखें, इसको सत्य कहते हैं। नहीं तो खाली माला घुमाने से कुछ भी नहीं होगा। आंखों में पवित्रता हो, चुगली सुनने की आदत ना हो और बुरा बोलने की आदत ना हो, तो सत्य यही है कि एक दिन भगवान सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन संभव नहीं हो पाता, आदमी करेगा तो हो भी जाएगा, क्यों नहीं होगा। अग्निहोत्र कीजिए, हवन कीजिए, बहुत जोर इस ग्रंथ में हवन के ऊपर दिया गया। अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानां चानुपालनम, अग्निहोत्र
व्रत उपवास और सत्य, जो ब्याह से झूठ नहीं बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आंखें भी तो गलत काम ना करें, कान भी तो बुरा ना सुने, ये जिभ्या कुछ बुरा ना बोले, टांगे अच्छी जगह पर जाएं, इसको दैहिक सत्य कहा है। और भगवत दर्शन करने में ये बड़ा सराहनीय है ये। और अगली बात बताई गई है जिसका नाम है वेदानुसरण, जो कथाएं सुनते हैं उन बातों का अनुसरण करें, उसको जीवन में उतारे। वेदानुसरण यानी कथा में कही गई बातें वो किसी और के लिए नहीं, ऐसा लगे कि बातें हमारे लिए हैं, सुने तो सही लेकिन उसके ऊपर चलने की भी भरकम कोशिश की जाए। एक दिन इष्ट का दर्शन होगा, गारंटी अग्नि देवता ने ले ली है, वो कहते हैं जिम्मेवारी मेरी है, वो कहते हैं तुम्हारी देह में अंतिम संस्कार तो मैं ही करने जाऊंगा, मैं ही जलाऊंगा पार्थिव शरीर को, लेकिन शरीर बाद में जलाऊंगा, पहले तुम्हें भगवान के सन्मुख खड़ा कर दूंगा, ये जिम्मेवारी मेरी है। अग्निदेव बोले कितने छोटे छोटे काम है और वो भी होते नहीं है, करें। अग्निहोत्र, नित का हवन, कोई न कोई उपवास, इंद्रियों से व्यवचार न हो, और अगला है वेदानुसरण, वेदों में जो बात कही गई है वो हमारे लिए मान्य हो, उनको हम माने।